गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आपको दो टाइप्स ऑफ इंटीग्रल जो है वो मेन है। जो पहला टाइप है दैट इज इंटीग्रल ऑफ द टाइप, फर्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ द टाइप एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स। ये होता है किसके बराबर? लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। दिस इज फर्स्ट इंटीग्रल, दिस इज इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टाइप एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। एंड द सेकंड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स रेज पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रल दिस टाइप, ये किसके बराबर होता है? होता है एफ एक्स रेज पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन प्लस सी, वायर एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। ये अगर इन टाइप के आपको इंटीग्रल्स आते हैं तो ये इसकी फॉर्मूला है। और इसमें सिर्फ आपको देखना है कि जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे यू मस्ट नो विच टाइप ऑफ इंटीग्रल इट इज। अगर आपको पता चला कि इंटीग्रल किस टाइप का है फिर देन इंटीग्रेशन इज वेरी इजी। और वो कैसे होता है? दैट इज बाय प्रैक्टिस। इंटीग्रेशन में आपको काफी प्रैक्टिस चाहिए, सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दिस, अदरवाइज इट इज वेरी इजी। सो जो ये पहला है प्रूफ, कैसे ये प्रूफ ऑफ फर्स्ट, मैं लेट मी डिनोट दिस इंटीग्रल बाय आई, लेट आई बी द इंटीग्रल एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स। इसमें मैं क्या करता हूं, पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, यह आएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी टी बाय dx, d by dx of fx का होता है वो होता है f dash x, और ये आएगा dt by dx, और ध्यान अब लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके f dash x dx किसके बराबर आएगा? dt के बराबर। ये मैंने आपको यहां पर समझाया, फिर हम डायरेक्टली लिखते हैं यहां से डिफरेंशिएट वी गेट f dash x dx इज इक्वल dt। ये सेटअप सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज इनकी आप जरूरत भी नहीं, ठीक है। अब ये हम किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे? ये इस आई में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे हम क्लॉज जो आई है, आई किसके बराबर है? एफ डैश एक्स डी एक्स, जो ये है एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू क्या आ गया? डी टी डिवाइड बाई क्या आएगा? एफ एक्स का वैल्यू क्या है? टी, तो ये हो गया वन बाई टी डी टी। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? लॉग ऑफ टी प्लस सी। के साथ लॉग हमेशा होता है पॉजिटिव नंबर, इसलिए हम मॉड लिखते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे इट इज ऑब्वियस इट इज पॉजिटिव। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब टी का वैल्यू दो, इट इज लॉग ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? एफ एक्स, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, दैट इज दिस एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रल, वेरी सिंपल। क्या करना है? पुट एफ एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग वी गेट एफ डैश एक्स डी एक्स को डी टी। अब आई में दिया वैल्यू, एफ डैश एक्स डी एक्स को दिया डी टी वैल्यू, डी टी बाई टी वन बाई टी की इंटीग्रेशन हो गई, लॉग टी प्लस सी टी का वैल्यू। सेकंड इज सिमिलर, चलो वो भी मैं बताता हूं आपको सेकंड वाला, इसमें भी सेम करना है। सेकंड इज लेट आई बी इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स रेज पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। इसे फिर करेंगे पुट एफ एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग वी गेट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीपल करके आपको आएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसलिए ये आई में सब शूट करो, जो आई आएगा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या है? टी, ये आएगा टी रेज पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या है? एफ डैश एक्स डी एक्स का वैल्यू दैट इज डी टी।
और टी रेज पावर एन की इंटीग्रेशन आपकी आएगी विथ रेस्पेक्ट टू टी, दैट इज इक्वल टू टी रेज पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी, टी को वापस दो वैल्यू तो हो गई। देयरफॉर आई इज इक्वल टू टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी एफ एक्स रेज पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। सो दिस इज द सेकंड इंटीग्रल। तो ये दो इंटीग्रल्स आपको याद रखने हैं, इनके फॉर्मूलाज याद रखने हैं, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, और दूसरा ये वाला। इसमें जब भी आपको क्वेश्चन है और आपको देखना है क्या ये इस टाइप का क्वेश्चन है, यानी इंटीग्रेशन में मेन चीज होता है आपको पता चलना चाहिए कि जो ये इंटीग्रल है ये किस टाइप का है। चलो इस कुछ क्वेश्चन हम करते हैं इन पर। लेट मी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट आई बी द इंटीग्रल, वो इंटीग्रल लेते हैं वन बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अब आपको कैसे पता चलेगा यहां पर भी एक्स है यहां पर भी एक्स है, एक्स लो कॉमन डिनोमिनेटर में एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स। अगर आप देखोगे log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 बाई एक्स, ये 1 बाई एक्स है यहां पर। सो हम क्या करेंगे और एक स्टेप में आपके लिए, 1 बाई 1 प्लस log x इंटू एक्स, यहां से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा dx ये बार। अगर आप देखोगे अगर ये t हम करेंगे ये आपका fx हो गया t 1 प्लस log x, अगर सिर्फ log x करेंगे वो भी चलेगा, लेकिन 1 प्लस log x को पुट करते हैं क्योंकि उसकी डिफरेंशिएशन आएगी 1 बाई एक्स डी एक्स, वो आ गया ये हो गया एफ एक्स, ये बनेगा एफ डैश एक्स। सो पुट 1 प्लस log x इज टू टी, आपको एफ एक्स नहीं करना, मतलब उस टाइप का इंटीग्रल में जैसे वो किया वही वैसे ही कर रहा हूं। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, टू टी 1 की डिफरेंशिएशन हो गई 0, log x की क्या आएगी 1 बाई एक्स, टी की क्या आएगी डी टी बाई डी एक्स, और यही बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी टी। ये फिर हम डायरेक्टली लिखते हैं, अभी आपको ये एक्सप्लेन करके लिखते हैं आपके लिए। सो दिस एम्प्लॉयज आप ये आई में वैल्यू दो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स के बराबर है टी, और डी एक्स बाई एक्स जो ये है डी एक्स बाई एक्स वो किसके बराबर है डी टी, बन गया वही टाइप 1 बाई टी की इंटीग्रेशन क्या है दैट इज लॉग ऑफ टी प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी। आप टी का वापस दो वैल्यू हो गया आंसर, देयर फॉर आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी, दैट विल बी इट। सो वेरी सिंपल, इसको x को कॉमन, और फिर हम देखते हैं जब 1 प्लस log x को डिफरेंशिएशन करेंगे वही आएगा 1 बाई एक्स, तो इसे पता चलता है ये इस टाइप का है। 1 प्लस log x को पुट करो वहां से आगे डी एक्स बाई एक्स को डी टी, और ये बना 1 बाई टी डी टी, इसको log t, तो log t की फिर t का वैल्यू दो, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को करते हैं। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Let I be the integral x cube minus 1 raised power 1 by 3 into x raised power 5 dx। ऐसे तो लगता है ये है नहीं, लेकिन क्या है अगर x cube की डिफ्रेंसिएशन करते हैं वहां आता है 3x square, यानी x square आता है, ये ब्रेक करना पड़ेगा x रेज पावर 5। इसलिए मैंने कहा इसके लिए प्रैक्टिस आपको अच्छी होनी चाहिए, यानी ये हम क्या करेंगे x क्यूब माइनस 1 रेज पावर 1 बाई 3 x रेज पावर 5 को ब्रेक करेंगे x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्यों किया ब्रेक, क्योंकि जब x क्यूब की डिफरेंशिएशन करेंगे वो आएगा x स्क्वायर, उसमें आएगा तो हम वैल्यू दे सकते हैं x स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू।
आप किसको पुट करें, एक्स क्यूब माइनस वन को या एक्स क्यूब को, जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है यूजुअली उसी को पुट करते हैं, जैसे एक्स क्यूब माइनस वन, इसमें हम करेंगे पुट एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये बनेगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया जीरो इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और यहां से आएगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एम्प्लॉयज एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई थ्री, आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आई में, देयरफोर जो आई आएगा इंटीग्रल आई, आई से हम इंटीग्रल को डिनोट करते हैं, ये टी 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 रेज पावर वन बाई थ्री, टी रेज पावर वन बाई थ्री इंटू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का वैल्यू अगर यहां आप देखोगे एक्स क्यूब का वैल्यू क्या आएगा, एक्स क्यूब का वैल्यू आएगा टी माइनस वन आएगा यहां पर टी प्लस वन, ये बनेगा एक्स क्यूब का वैल्यू, एक्स क्यूब का वैल्यू टी प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू डी टी बाई थ्री, नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल इंटीग्रल जो आपने ऑलरेडी किया है, तो कैसे करोगे आप इसमें आई इसको जो वन बाई थ्री है कॉन्स्टेंट है इसको बाहर करो वन बाई थ्री, तो वो टी रेज पावर वन बाई थ्री इसको इसके साथ मल्टीप्लाई टी रेज पावर वन बाई थ्री इंटू टी एंड बेस आर सेम पावर साइड एड वन बाई थ्री प्लस वन दैट इज फोर बाई थ्री प्लस टी रेज पावर वन बाई थ्री इंटू वन टी रेज पावर वन बाई थ्री डी टी, आप इंटीग्रेशन करो ये आएगा वन बाई थ्री इंटू आप इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज पावर एन, टी रेज पावर एन प्लस वन यानी टी रेज पावर फोर बाई थ्री प्लस वन, फोर बाई थ्री प्लस वन वो क्या आएगा सेवन बाई थ्री डिवाइड बाई सेवन बाई थ्री, वो क्या बनेगा टी बाई सेवन, क्योंकि डिवाइड करना है सेवन बाई थ्री, फिर इसको टी रेज पावर वन बाई थ्री प्लस वन, वन बाई थ्री प्लस वन क्या आएगा फोर बाई थ्री डिवाइड बाई फोर बाई थ्री, वो क्या बनेगा टी बाई फोर प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी विच एम्प्लॉयज आई इज इक्वल टू वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करो थ्री एंड थ्री कैंसिल आएगा वन बाई सेवन टी रेज पावर सेवन बाई थ्री प्लस इसको मल्टीप्लाई थ्री एंड थ्री कैंसिल वन बाई फोर टी रेज पावर फोर बाई थ्री प्लस सी, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी बैक, देयरफोर जो इंटीग्रल आई आएगा दैट इज वन बाई सेवन टी का वापस दो वैल्यू, टी का वैल्यू क्या है एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन रेज पावर सेवन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर, ये क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस वन रेज पावर वन बाई फोर बाई थ्री प्लस सी, दैट्स योर आंसर, ये होगा इस टाइप का। तो मेनली आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो इंटीग्रल है ये किस टाइप का है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लेट I be the integral cos x by root of 1 plus sin x dx, ये आपको आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, तो कैसे करोगे आप, डायरेक्टली पता चलता है sin x की डिफरेंशिएशन होती है cos x, तो हम क्या करेंगे पुट करो sin x को पुट करो या 1 plus sin x को, जो आपकी मर्जी, इट इज बेटर टू पुट 1 plus साइन एक्स इज इक्वल टू टी और डिफरेंशिएटिंग साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू टी की आएगी डी टी, एक्चुअली आप लिखोगे ये वन के हो गए जीरो, ये बनेगा फिर कॉस एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स डी एक्स, लेकिन हम डायरेक्टली फिर ये स्टेप लिखते हैं, कैन राइट इट, सो दिस एम्प्लॉय जो आई आएगा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या है डी टी बाई, ये क्या बनेगा रूट टी, और मैंने आपको पहले ही कहा है वन बाई रूट टी की इंटीग्रेशन याद रखनी चाहिए, ऐसे भी आप कर सकते हो टी रेज पावर माइनस वन बाई टू फिर कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली एज फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ये होता है टू रूट टी प्लस सी, ये आएगा आई का वैल्यू, ये याद रखना चाहिए कि वन बाय रूट टी की इंटीग्रेशन ये वन बाय रूट एक्स की टू रूट एक्स, वन बाय रूट टू की टू रूट टी, अब टी का वापस दो वैल्यू देयरफॉर आई इज इक्वल टू रूट ऑफ टी का वैल्यू क्या है
1 plus sin x plus c, that's your answer. So, ye ho gaye this integral. ठीक है, अब लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. लेट आई बी द इंटीग्रल, हम लेते हैं 1 बाय 1 प्लस कॉट एक्स. थोड़ा सा डिफरेंट है और इंपॉर्टेंट भी है. ये आ सकता है 1 बाई 1 प्लस टेन एक्स, या 1 बाई 1 माइनस टेन एक्स, या 1 बाई 1 माइनस कॉट एक्स. जो इस क्वेश्चन में करूंगा ये चारों उसी टाइप में करने हैं. 1 बाई 1 प्लस टेन एक्स, 1 बाई 1 माइनस टेन एक्स, या 1 बाई 1 माइनस कॉट एक्स. जो इसमें करूंगा बाकी भी आप वैसे ही कर सकते हो. चार इंटीग्रल. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसमें जो कॉट है इसको साइन बाई कॉस करो, ये बनेगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स. साइन एक्स आएगा एलसीएम, ये ऊपर जाएगा, ये आप कर सकते हो. ये बनेगा साइन एक्स जोड़ बाई साइन एक्स इंटू वन बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. समझ आया कैसे, साइन एक्स आएगा एलसीएम, आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जोड़ बाई साइन एक्स. फिर जब उल्टा करेंगे साइन एक्स ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा. ये तो पहला. अब क्या करना होता है इसके लिए, जैसे डिनोमिनेटर में है वैसे ही आपको करना होता है न्यूमरेटर में भी. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, तो न्यूमरेटर में भी मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही करूंगा. लेकिन कॉस एक्स तो है नहीं, इसलिए कॉस एक्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. लेकिन ऐसा ही करना पड़ेगा. मैं इसलिए क्या करूंगा, मैं लिखूंगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे डिनोमिनेटर हो वैसे न्यूमरेटर लिखना है. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स नहीं चाहिए, अब हमें क्या करना है, मैंने लिखा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. कॉस एक्स एंड कॉस एक्स कैंसिल, लेकिन ये बना साइन एक्स प्लस साइन एक्स इज टू साइन एक्स. हमारे पास टू साइन एक्स नहीं है, इसलिए यहां पर वन बाई टू करेंगे. टू एंड टू विल गेट कैंसिल. जोड़ बाई क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. अगर यहां पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा तो आप यहां लिखोगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर लिखोगे प्लस साइन, फिर यहां देखना है क्या लिखना है, उसी के हिसाब से एडजस्ट करना है इसके साथ. आप इसके बाद क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे. ये आएगा 1 बाई टू इंटीग्रल ऑफ दिस बाई दिस, ये आएगा 1 प्लस क्या आएगा दिस डिवाइड बाई दिस, इसके साथ ये आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. ये बना इसके साथ अलग लिया डिनोमिनेटर, ये और ये कैंसिल, 1 आ गया. दो स्टेप्स में आप कर सकते हो प्लस दिस बाई दिस. This employs I is equal to 1 by 2 और इसकी 1 की इंटीग्रेशन क्या है x, ये हो गया. प्लस ये आएगा अलग, आएगा 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x जोड़ बाय साइन x प्लस कॉस x dx. ये वाला इंटीग्रल हमें करना है. I write employs I is equal to 1 by 2x plus 1 by 2. इसको मैं I1, इस इंटीग्रल को मैं I1 से डिनोट कर लूंगा और I1 का वैल्यू निकालूंगा और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा नेम्स एज़ फर्स्ट. ठीक है, व्हाट इज I1, वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. आप ये इंटीग्रल किस टाइप का बना, ये बनेगा एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, क्योंकि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स ये हो जाएगा. यानी क्या करेंगे हम, जो डिनोमिनेटर है पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग वी गेट साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी कॉस एक्स, ये क्या आएगा माइनस साइन एक्स x के साथ dx एक्स इसको टू डी टी, या dt टी बाई डी एक्स, फिर डी एक्स यहां यहां आएगा. लेकिन हमारे पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहां है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. सो टेकिंग माइनस कॉमन, ये आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, विच एम्प्लॉइज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स
dx किसके बराबर आएगा, माइनस dt के बराबर। आप ये वैल्यू i1 में देंगे, ठीक है, लेट अस सबस्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन i1। आप ये क्या बनेगा, इस एम्प्लॉइज जो i1 है, i1 किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, वो किसके बराबर है, माइनस डी टी, माइनस डी टी डिवाइड बाई क्या आएगा, टी, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, आएगा माइनस लॉग टी प्लस सम सी वन, ठीक है। एम्प्लॉइज टी का वैल्यू दो, आई वन इसको सी वन इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट माइनस लॉग ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, t is sin x plus cos x, sin x plus cos x plus c1, ये हो गया i1। आप इस i1 का वैल्यू दो किसमें, ये सब सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट पे, देयरफॉर फॉर फर्स्ट, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट वी गेट i इज इक्वल टू, इसके बराबर आएगा 1 बाई टू एक्स प्लस 1 बाई टू, इंटू 1 बाई टू के साथ इसका मल्टीप्लाई आएगा 1 बाई टू एक्स, फिर आएगा माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर आएगा माइनस वन बाई टू इंटू सी वन, वो आएगा वन बाई टू सी वन, सी वन इज कॉन्स्टेंट, वन बाई टू इज कॉन्स्टेंट, सो वन बाई टू सी वन इज अनदर कॉन्स्टेंट विच वी डिनोट बाई सी, दिस इज योर आंसर, दिस इज हाउ वी फाइंड दिस इंटीग्रल, वन बाई टू, फिर इसका दिया ये वैल्यू यहां 1 बाई टू एक्स, फिर 1 बाई टू इंटू आई वन, आई वन इज दिस 1 बाई टू इंटू हो गया माइनस 1 बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 बाई टू सी वन, 1 बाई टू सी वन इज अनदर कॉन्स्टेंट विच वी डिनोट बाय सी, दैट कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। और ये हो गया 1 बाई वन प्लस कॉट एक्स, क्या करना होता है, कॉट को साइन कॉस में चेंज करो, फिर मैंने बता दिया आप क्या करना है, वो मैंने यहां मिटा दिया। इसी तरह अगर होगा 1 बाई वन प्लस टैन एक्स, उसमें भी वही करना है, 1 बाई वन माइनस टैन एक्स, इसमें भी आई सी, और 1 बाई वन माइनस कॉट एक्स, ये चार क्वेश्चन इसी टाइप से बनेंगे, ठीक है। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू।